उनके ऊपर एक कविता है, आप उसे ध्यान सुने। और मैं चाहूंगा गुरुदेव को सामने रखें, आप उनको स्पॉटलाइट पर रखें, और ये कविता उनके लिए है, आपसे मेरे साथ बोलेंगे। कुंतु सागर गीत गाइए, कुंतु सागर गीत गाइए, कुंत गुरुवर जैसी धर्म प्रीत पाइए, कुंत गुरुवर जैसी धर्म प्रीत पाइए। गुरुवर के माता पिता कौन है उनका परिचय दे रहा हूँ। रेवाचन का लाल अर्श मार्ग पे खड़ा, रेवाचन का लाल अर्श मार्ग पे खड़ा, सोहन माँ का मोहन दिलदार है बड़ा, सोहन माँ का मोहन दिलदार है बड़ा। बाठेड़ा की आन बान शान जो बने, बाठेड़ा की आन बान शान जो बने, नरसिंहपुरा जैनों में महान गो बनी, नरसिंहपुरा जैनों में महान गो बनी। पंडित पिता पंडित गुरु जिनके पाइये, पंडित पिता पंडित गुरु जिनके पाइये, कुंत गुरुवर जैसी धर्म प्रीत पाइये, कुंत गुरुवर जैसी धर्म प्रीत पाइये। कुंत सागर गीत गाइये, कुंत सागर गीत गाइये, कुंत गुरुवर जैसी धर्म प्रीत पाइये। और गुरुदेव के पिता कौन थे, गुरुदेव के गुरु कौन थे, धर्म पिता गुरु कौन थे, गुरु को बता रहा हूँ। महावीर कीर्ति गुरु, महावीर कीर्ति गुरु आपके बड़े, महावीर कीर्ति गुरु आपके बड़े। पंडितों के पंडित वैद्यराज थे बड़े, पंडितों के पंडित वैद्यराज थे बड़े। मंत्र यंत्र तंत्र सिद्ध योगी थे बड़े, मंत्र यंत्र तंत्र सिद्ध योगी थे बड़े। तीर्थ भक्त भी तरागी संत थे बड़े, संत थे बड़े। उनकी छवि कुंत सागर जी में पाइए, उनकी छवि कुंत सागर जी में पाइए, कुंत गुरुवर जैसी धर्म प्रीत पाइए, कुंत गुरुवर जैसी धर्म प्रीत पाइए। हमारे गुरुदेव के गुरु महावीर कीर्ति जी बड़े पंडितों के पंडित थे, वैद्यराज के बड़े वैद्यराज थे, मंत्र यंत्र ज्ञाता थे, सिद्ध योगी थे, और वही छवि हमारे गुरुदेव में दिखाई देती है। हमारे गुरुदेव ने संसार के लिए क्या किया है वो बता रहा हूँ आपके लिए। साधु संत ऋषि मुनि आप बनाए, साधु संत ऋषि मुनि आप बनाए, ए लक्षुलक आरि कावागंडी बनाए, ए लक्षुलक आरि कावागंडी बनाए। सबसे ज्यादा शिष्य गुरु आप बनाए, सबसे ज्यादा शिष्य गुरु आप बनाए, सर्वाधिकाचार्य आपने ही बनाए, सर्वाधिकाचार्य आपने ही बनाए। तीर्थंकर की छवि गुरु वर में पाइए, तीर्थंकर की छवि गुरु वर में पाइए, कुंत गुरुवर जैसी धर्म प्रीत पाइए, कुंत गुरुवर जैसी धर्म प्रीत पाइए। सबसे ज्यादा एलक छुलक आरिका गणनी गुरुदेव ने बनाए हैं, सबसे अधिक साधु बनाए हैं, सबसे अधिक आचार्य गुरुदेव के शिष्य हैं। ऐसे हमारे गुरुदेव तीर्थंकर के समान आज दिखलाई देते हैं, और ये सब गुरुदेव का विशेष पुण्य है। कौन उनके साथ खड़ा हुआ है बता रहा हूं मैं। पद्मावती माता तुमको सिद्ध सहाई, पद्मावती माता तुमको सिद्ध सहाई, लक्ष्मी माता सरस्वती साथ में आई, लक्ष्मी माता सरस्वती साथ में आई। जिनवाणी माता की तुमने कीर्ति बढ़ाई, जिनवाणी माता की तुमने कीर्ति बढ़ाई, भारत माँ की गुरुवर तुमने शान बढ़ाई, भारत माँ की गुरुवर तुमने शान बढ़ाई। आर्ष मार्ग की विशेष निष्ठा पाइये, आर्ष मार्ग की विशेष निष्ठा पाइये, कुंत गुरुवर जैसी धर्म प्रीत पाइए, कुंत गुरुवर जैसी धर्म प्रीत पाइए। कुंत सागर गीत गाइए, कुंत सागर गीत गाइए, कुंत गुरुवर जैसी धर्म प्रीत पाइए, कुंत गुरुवर जैसी धर्म प्रीत पाइए। आज मैं गुरुदेव के जन्मोत्सव पर एक रहस्य खोल रहा हूँ। गुरुदेव जब आए तो उनके आते ही इतना क्रांतिकारी परिवर्तन भारत देश में हुआ, वो आपको बता रहा हूँ, सुने आप ध्यान से। जब से हुआ कुंत सागर गुरु का जन्म, जब से हुआ कुंत सागर गुरु का जन्म। गुरुदेव का जन्म कब हुआ, 1947 में। गुरुदेव आजाद कब हुआ, 1947 में। इसमें लिखा है जब से हुआ कुंत सागर गुरु का जन्म, जब से हुआ कुंत सागर गुरु का जन्म, तब से टूटा अंग्रेजों का अहम बहम, तब से टूटा अंग्रेजों का अहम बहम। जब से पाए भारत माने गुरु के चरण, जब से पाए भारत माने गुरु के चरण, तब से हुआ आजादी का मंगलाचरण, तब से हुआ आजादी का मंगलाचरण। आजादी का दीप आप भी जलाइए, आजादी का दीप आप भी जलाइए, कुंत गुरुवर जैसी धर्म प्रीत पाइए, कुंत गुरुवर जैसी धर्म प्रीत पाइए। गुरुदेव आए तो ऐसे आए कि उनके आते ही देश आजाद हो गया। ये बहुत बड़ी क्रांति गुरुदेव के आगमन से हुई है। ऐसे गुरुदेव के शुभ लक्षण खूब सुख पुत्र उनके जो पांव है, उनके चरण बहुत ही मंगल आनंददायी है।
इनके आगमन से पूरा देश आजाद हुआ और आज गुरुदेव हम सबको कर्मों के काटने की आजादी का सुख दे रहे हैं। अंतिम पद मेरी कविता का है जो मैं रख रहा हूँ यहाँ पर, जिनवाणी का अमृत गुरु रोज पिलाए, जिनवाणी का अमृत गुरु रोज पिलाए, आर्ष मार्ग का सदैव शंख बजाए, आर्ष मार्ग का सदैव शंख बजाए, भक्तों को जीरो से हीरो आप बनाए, भक्तों को जीरो से हीरो आप बनाए। हमारे गुरुदेव ने अनेक अनेक जो रास्ते पे चलते थे, जिनके खाने के ठिकाने नहीं थे, रहने के स्थान नहीं थे, ऐसे जीरो को हीरो बना दिए। और गुरुदेव हमेशा रोज अमृत पिलाते हैं और हमेशा आर्ष मार्ग का संत उन्होंने कहा कि हमें जिनवाणी की मानस में लिखा है, जिनवाणी का अमृत गुरु रोज पिलाए, जिनवाणी का अमृत गुरु रोज पिलाए, आर्ष मार्ग का सदैव शंख बजाए, आर्ष मार्ग का सदैव शंख बजाए, भक्तों को जीरो से हीरो आप बनाए। हमारे गुरुदेव नंदी जी जीरो थे, उन्होंने कहा मैं चौथी क्लास भी फेल हूँ, पढ़ा नहीं हूँ, बचपन से बहुत कष्ट देखे उन्होंने, माता पिता का साथ नहीं मिला, लेकिन जो जीरो था आज वो हीरो बन गया। मैं कुछ भी नहीं था, मुझे कुछ भी नहीं आता था, लेकिन गुरुदेव का आशीष मिला तो आज मैं कुछ कर पा रहा हूँ, लिख पा रहा हूँ, आज जो कुछ मेरी रचना है, मेरे जितने विधान है, आज धर्म तीर्थ है या संघ है या कुछ भी है, सब गुरुदेव का। जीरो से हीरो बनाने वाले गुरुदेव ने लिखा है, भक्तों को जीरो से हीरो आप बनाए, भक्तों को जीरो से हीरो आप बनाए। ऐसे हम दो उदाहरण है, देवनंदी महाराज जी ने कहा कि मुझे जीरो से हीरो बनाया, गुरुदेवनंदी महाराज को जीरो से हीरो गुरुदेव ने बनाया, मुझको बनाया, और ऐसे हजारों लाखों भक्त हैं गुरुदेव के, श्रावक हैं, जिनको जीरो से हीरो गुरुदेव ने बनाया। इसलिए मैंने लिखा है, भक्तों को जीरो से गुरु हीरो आप बनाए, भक्तों को जीरो से हीरो आप बनाए, डूबती नहीं अक गुरु पार लगाए, डूबती नहीं अक गुरु पार लगाए, गुप्ती ऐसे गुरुवर का गीत गाइए, गुप्ती ऐसे गुरुवर का गीत गाइए, कुंत गुरुवर जैसी धर्म प्रीत पाइए, कुंत गुरुवर जैसी धर्म प्रीत पाइए, कुंत सागर गीत गाइए, कुंत सागर गीत गाइए, कुंत गुरुवर जैसी धर्म प्रीत पाइए, कुंत गुरुवर जैसी धर्म प्रीत पाइए, कुंत गुरुवर जैसी धर्म प्रीत पाइए। बोलिए जगत गुरु आचार्य श्री कुंत सागर जी गुरुदेव की जय। दोपहर में जो मैं नहीं कह पाया।